आप सुन रहे हैं खास ऑडियो सीरीज शांतिवीर, कहानी भारतीय सेना के एक नायाब योद्धा की। एपिसोड 22, संगीन हालात। रणवीर और ऑफिसर एडोल्फ के बीच करीब 100 मीटर की दूरी थी। रणवीर की स्पेशल एबिलिटीज की वजह से ही उसे नाइल्स और एडोल्फ की बातें सुनाई दी, और उसे ये जानकर अच्छा लगा कि जैसे दुनिया भर में हर जगह बुरे लोगों के साथ साथ अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं, वैसे ही क्राउन प्रिंस सिटी के पुलिस फोर्स में भी कुछ अच्छे लोग थे। ऑफिसर नाइल्स दौड़ता हुआ डायरेक्टर चार्ल्स और यूनाइटेड नेशंस के काफिले तक पहुंच गया। उसने वहां जाकर एक नया ही बहाना बनाया वालसी के शांति सेना के सैनिकों को अपने इस मिशन में शामिल करने का। उसकी झूठी अकड़, परिस्थिति के भूल आकलन और गलत डिसीजंस की वजह से घटनास्थल पर एक विकट स्थिति खड़ी हो चुकी थी। इस स्थिति को संभालने की ना तो उसकी पुलिस फोर्स में हिम्मत थी और ना ही काबिलियत। चार्ल्स के पास पहुंचकर उसने कहा, हमें अभी अभी पता चला है कि इस वारदात के पीछे विद्रोही दल के उग्रवादियों का एक गिरोह है। अब ये मामला इस शहर की कानून और व्यवस्था का नहीं रह गया है, बल्कि इस देश में फैले गृह युद्ध को संभालने वाली आपकी यूनाइटेड नेशंस की शांति सेना की जिम्मेदारियों के दायरे में आ गया है। डायरेक्टर चार्ल्स, आपको और आपकी शांति सेना को इस कार्यवाही में हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपनी सरकार और न्यायपालिका को जाकर इस गतिविधि के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। इन उग्रवादियों से निपटने के लिए पहले मुझे उनसे जाकर इजाजत लेनी पड़ेगी। ये खूनी वारदात का मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, तो इनको संभालने की जिम्मेदारी भी अब यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स की है। डायरेक्टर चार्ल्स की चाल फिर से उल्टी पड़ गई थी। कहां वो इस इंडियन पीस कीपिंग पुलिस फोर्स को सबक सिखाने के इरादे से 6th स्ट्रीट के रूट को लेकर एयरपोर्ट जा रहा था, ताकि भविष्य में वो उससे अदब से पेश आए, लेकिन अब उसके सर पर इस आतंकी हमले को संभालने का बोझ पड़ गया। उसने अपने साथ काफिले में गिने चुने वालसी शांति सेना के सैनिकों की तरफ देखा और फिर जनरल बख्शी और कप्तान वीरेंद्र प्रताप सिंह की ओर। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस मुंह से हिंदुस्तानी पीस कीपिंग पुलिस फोर्स के आला ऑफिसर से इस काम को करने की गुजारिश करे। नाइल्स के डर के मारे सारी अकड़ खत्म हो चुकी थी। उसने लाज शर्म की परवाह करे बगैर ही झट से कहा, डायरेक्टर चार्ल्स, अब हमारे पास नष्ट करने के लिए समय बिल्कुल भी नहीं है। अनगिनत निर्दोष लोग और हमारे पुलिस बल के लोग मारे जाएंगे। उग्रवादी भरी मात्रा में आधुनिक हथियारों से लैस हैं। आप प्लीज उनका सामना करने के लिए आगे आएं। कप्तान वीरेंद्र प्रताप, आपको हमारी सहायता करने में कोई आपत्ति तो नहीं? कप्तान वीरेंद्र प्रताप और जनरल बख्शी तो पहले से ही जानते थे कि परिस्थिति कितनी संगीन है, और ये लोग बार बार गलती पर गलती करते जा रहे हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने इस ऑपरेशन को संभालने के बजाय यहाँ पर गलतियों का एक पुल बांध दिया था, जिसे पार करने के लिए उनके पास ना उनका पूरा पुलिस बल था और ना ही कोई आधुनिक हथियार। उनके पास तो उनकी सर्विस रिवॉल्वर्स भी नहीं थी, क्योंकि वो तो यहाँ सिर्फ 3 दिनों के इंस्पेक्शन करने के दौरे पर थे। ऐसे दौरों में किसी भी प्रकार के अग्नि अस्त्रों को साथ में लाने की इजाजत नहीं थी। उनके काफिले में आए सिर्फ वालसी से आए शांति सेना के सैनिकों के पास ही आधुनिक हथियार थे। सिचुएशन का जायजा लेकर कप्तान वीरेंद्र प्रताप ने नाइल्स को अपना सुझाव दिया, हम इस विपत्ति में आपके साथ हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत हमें इस दौरे पर अपने साथ हमारे स्क्वाड और अपने हथियारों को लाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए मैं गारंटी से नहीं कह सकता कि हम इन आतंकवादियों को पराजित करने में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए अभी हमारी प्रायोरिटी घटना स्थल पर मौजूद लोगों के प्राण बचाने की होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशन का कानून भी यही कहता है, इसलिए मैं इन आतंकवादियों पर इस वक्त हमला करके उनको मार गिराने के पक्ष में नहीं हूँ। कप्तान वीरेंद्र प्रताप ने ऐसा इसलिए नहीं किया था कि वो इन आतंकवादियों से डरते थे या फिर उन्हें इस घटना स्थल पर मौजूद लोगों की जान की परवाह नहीं थी, लेकिन एक जिम्मेदार फोर्स के कमांडर होने के नाते उन्हें सही फैसला लेना पड़ा। वो अपने साथ आए गिने चुने हिंदुस्तानी साथी और वालसी के शांति सैनिकों को जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं भेज सकते थे। उनको अपने साथियों और वालसी के सैनिकों की काबिलियत पर बिल्कुल शक नहीं था। कप्तान वीरेंद्र प्रताप लेकिन ये भी जानते थे कि वो लोग हार्ड मान से बने इंसान थे, कोई आयरन मैन की तरह लोहे से बने सुपर हीरो नहीं, जो अपनी तरफ आती हुई बंदूक की गोलियों को अपने हाथ से रोक सकते थे या फिर वो गोलियां उनके बदन को भेद नहीं सकती थी। उसी वक्त भागते हुए वहां एडोल्फ चला आया। उसने सबका अभिवादन किया और उसके बाद बिना किसी हिचकिचाहट के उसने मॉल में लेटेस्ट परिस्थिति का ब्यौरा दिया। हालत बिगड़ते ही जा रही है,
मार्क मैथ्यूज ने हमारे कुछ लोगों को मार गिराने की धमकी दी है। दूर से जो बात पता चली है वो ये है कि उसने और उसके साथियों ने मिलकर मॉल के अंदर लूटमार तो शुरू कर दी है। मॉल के अंदर खून खराबा शुरू हुआ है कि नहीं, इस बात का इतनी दूर से अंदाजा नहीं किया जा सकता। आप तो जानते ही हैं कि उसका अपने बंदियों को मारने का तरीका कितना बेरहम है। अगर अंदर लोगों की वो बोटियां भी काट रहा होगा तो उसकी आवाज हम लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। हमें कुछ जल्दी करना चाहिए वरना मॉल के अंदर मासूम लोगों को निर्मम तरीके से मार डाला जाएगा। एडोल्फ ने उन्हें जब ये बात बताई तब उसके चेहरे पर खौफ से ज्यादा चिंता थी अंदर फंसे हुए लोगों के लिए। जब ये बात हो रही थी तब वालसी शांति सेना के दल का लीडर भी वहां पहुंच गया। उसका कद लंबा और कंधे चौड़े थे। उस पर एक नजर डालते ही समझ में आ जाता कि वो मैदाने जंग में कई दिनों से काम कर रहा था, इसलिए शारीरिक फिटनेस के साथ साथ उसका दिमाग भी खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के लिए दुरुस्त था। उसके कंधों पर टंगी आधुनिक बंदूक भी ये बयां कर रही थी कि वो उन आतंकियों की बंदूकों का सामना कर सकती थी। उसने आकर सबको कहा, सर, मैं इस ऑपरेशन में शामिल होने को तैयार हूँ, लेकिन समस्या यह है कि मेरे साथ सिर्फ 5 या 6 लोग हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमारी शांति सेना को यहाँ सीमा पर सुरक्षा के लिए बुलाया गया है, इसलिए हमें युद्ध क्षेत्र में लड़ने का तो एक्सपीरियंस है लेकिन सिविलियन इलाके में इंडोर ऑपरेशंस का अनुभव बिल्कुल नहीं। वालसी दल के नेता ने बड़ी ही ईमानदारी और सीधे तरीके से अपनी बात उन सब के सामने रख दी। ये एक अच्छी बात थी क्योंकि उस वक्त सबको अपनी अपनी ताकत और कमजोरी के बारे में पता होना जरूरी था। ये वक्त शेखी बघारने या बड़े बड़े दावे करने का नहीं था। जब ये सब बातें हो रही थी तो एडोल्फ उन सबको चुपचाप गौर से देख रहा था और उनकी कौम और पदवी को पहचानने की कोशिश कर रहा था। इंडियन पीस कीपिंग पुलिस बल को उसने आज पहली बार देखा था, इसलिए वो उनकी वर्दियों को देखकर उनके स्क्वाड और उनके ओहदे को भापने की कोशिश कर रहा था। जनरल बख्शी ने एक अलग शेड की खाकी पहन रखी थी तो कप्तान वीरेंद्र प्रताप ने भारत के पुलिस बल की वर्दी पहनी हुई थी। कर्नल पांडे की वर्दी भी उनकी वर्दियों से अलग रंग की खाकी की थी। उसके लिए ये जान पाना मुश्किल था कि कौन भारत से आने वाली यूनाइटेड नेशंस की पीसकीपिंग बल के सदस्य हैं और कौन भारत की सेना से संपर्क रखते हैं, लेकिन रणवीर की वर्दी देखकर उसे साफ पता चल गया कि वो भारत के पीसकीपिंग पुलिस फोर्स से है। रणवीर ने उनकी तरह काले रंग का चश्मा तो पहन रखा था लेकिन उसकी उम्र, कदकाठी और फिजिकल फिटनेस साफ साफ बता रहे थे कि वो उसकी तरह ही पुलिस बल के निचले स्तर का अफसर है। रणवीर की वर्दी के अंदर से एडोल्फ ने उसकी सशक्त और बलिष्ठ बदन का अंदाजा लगा लिया क्योंकि उसकी मसल्स वर्दी में भी दिखाई दे रहे थे। मॉल के अंदर लोगों का हाल बुरा था, वो अभी भी अपने घुटनों के बल जमीन पर अपना सर लगाकर बैठे थे। उनकी जरा सी हरकत भी उनके मौत का कारण बन सकती थी। मार्क और उनके साथियों ने उनको 2 गुटों में बांट कर बिठा रखा था। एक गुट उनका था जिनके रुपए पैसे, गहने, जवाहरात, बटुए, घड़ी और बाकी सामान छीने जा चुके थे और दूसरा गुट उन लोगों का था जिनसे उनकी कीमती चीजें छीनी जानी थी। हॉल के बीचों बीच लूट के माल से एक छोटा सा पहाड़ का ढेर बन गया था। मार्क अपने कुछ साथियों के साथ मॉल के अंदर प्रवेश द्वार पर पुलिस पर निगाहें बनाए हुए शेल्फ के पीछे छुपकर बैठा था। अगर बाहर वाले जरा सी गलती करते तो उनकी मौत मार्क मैथ्यूज के हाथों से निश्चित थी। मॉल के अंदर जो लोग लूट खसोट कर रहे थे उनमें से कुछ की नियत रुपए पैसे के अलावा वहां मौजूद लड़कियों और औरतों के साथ अपनी हवस मिटाने की भी थी। वो वहां बंदी औरतों को चुन चुन कर बाहर निकाल रहे थे और उनके साथ हैवानों की तरफ पेश आ रहे थे। उनके काले बड़े बड़े पंजे उन नाजुक नारियों को बड़ी भद्दी तरह से छूने लगे। कभी वो उनके कपड़े फाड़कर उनके गुप्तांगों पर अपने हाथ फेर रहे थे तो कभी उनको कोने में ले जाकर उनकी इज्जत से भी खेलने की कोशिश कर रहे थे। मॉल के अंदर उनको रोकने की किसी में हिम्मत नहीं थी। निर्भया और उसके बच्चे बाथरूम के पास कल्चरल सेक्शन की रंग बिरंगी शेल्फों के पीछे छुपे बैठे थे। निर्भया का रंग श्वेत था तो उसने अपने चेहरे पर उस सेक्शन की शेल्फों से मिलते जुलते रंग के कुछ ऑयल पेंट अपने हाथ और मुंह पर पोत लिए। उसने ये काम इसलिए किया था ताकि जब वो उनके बीच में से इन घिनौने शैतानों की गतिविधियों पर नजर रखे तो उसका चेहरा उन लोगों को नजर नहीं आए, उन शेल्फों के रंग के बीच में कैमोफ्लेज हो जाए, बिल्कुल जैसे गिरगिट जिस जगह पर रहता है वो अपने जिस्म का रंग बदलकर बिल्कुल उस जगह के रंग से मैच करा लेता है।
ये छुपने की तकनीक सेना के सैनिक भी युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल करते थे। तभी उसके सामने से एक खूंखार हफ्शी जैसा दिखने वाला उग्रवादी अपने हाथ में शराब की खुली बोतल लेकर बढ़ने लगा। उसने शराब की एक हूं ली तो उसमें से शराब खत्म हो गई। गुस्से से उसने वो शराब की बोतल जमीन पर दे मारी, जिसके टूटने से कांच के टुकड़े चारों तरफ फैल गए। इतनी शराब पीने के बावजूद वो विशाल काया आदम रूपी जानवर की नशा करने की मंशा पूरी नहीं हुई थी। वो निर्भया की शेल्फ की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर वो कांप गई। उसे समझ में नहीं आया कि वो आखिर बच्चों के सेक्शन की तरफ क्यों आ रहा था। फिर उसकी निगाह अपने सामने दाई तरफ खड़ी शेल्फ पर पड़ी। उस शेल्फ में काफी कीमती शराब की बोतलें सजाई हुई रखी थीं। वो और भी ज्यादा घबरा गई, क्योंकि ठीक उसी शेल्फ के पीछे उसकी एक स्टूडेंट लड़की, जिसकी उम्र करीब 20 से 22 साल की थी, वो भी छुपी हुई थी।